फ्यूचर सोसाइटी और एलआईसी द्वारा प्रायोजित और आईडीबीआई बैंक के सह प्रायोजन में आयोजित हो रहे डिजिटल बाल मेला 2021 सीजन 2 में आज शाम 4 बजे गूगल मीट के जरिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जुड़ेंगे और वो राजनीति में लंबी पारी फॉर्मूला भारी विषय पर बच्चों से संवाद करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, जिससे बच्चे जानेंगे कि कैसे राजनीति में आने के बाद एक नेता को अपना वर्चस्व कायम रखना है, कैसे जनता के विश्वास पर खरे उतरना है, कैसे जनता की उम्मीदों पर टिके रहना है, कैसे जनता के हितों की रक्षा करते रहना है। डिजिटल बाल मेला में बच्चे बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। देश भर से आ रही बच्चों की एंट्री बता रही है कि सरकार के प्रति अपना नजरिया बताने के लिए बच्चे किस कदर बेचैन हैं। नमस्कार, मेरा नाम कोंकणा दास है। मैं जयपुर जिले के शास्त्री नगर के टैगोर पब्लिक स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने आज बच्चों की सरकार कैसी हो डिजिटल बाल मेला में भाग लिया है। यदि बच्चों की सरकार बनती है तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूँगी और मुख्यमंत्री बनकर मैं कुछ ऐसे बदलाव लाना चाहूँगी जिसकी मेरे राज्य को सख्त ज़रूरत है, जैसे कि मैं अपने राज्य के बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाना चाहूँगी। मणिपुर जैसे छोटे से राज्य का ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर मेरे मन में सवाल उठा कि राजस्थान के बच्चे ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे। यदि उन्हें उचित सुविधा और प्रशिक्षण दिया जाए तो वह भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेल कूद को अपना पेशा भी बनाएंगे। प्रतिमा माथुर है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सोफिया स्कूल ललारपुरा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अगर हम बच्चों की सरकार बनती है तो मैं अपनी सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि वो बच्चों के लिए एजुकेशन और बड़े होने पर रोजगार के लिए सिक्योर एंड फेथफुल प्लानिंग बनाए। मेरे सुझाव हैं कि सबसे पहले 10th तक के एजुकेशन गरीब बच्चों के लिए फ्री हो जिससे कि सभी बेसिक एजुकेशन ले सकें।